रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में मैच होने वाला है। 15-16 दिन अभी बचे हैं और ये मैच क्या डेड है हाइप के मामले में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड क्या ये मैच सच में एक बोरिंग मैच बन चुका है एंड इसकी कोई भी लिटरली हाइप नहीं है। तो देखो, अभी फिलहाल जो है जो WWE का रेसलमेनिया शो है, इसको होने में अभी जो है 15-16 दिन का समय है, जिसके अंदर जो है अभी फिलहाल 2 मंडे नाइट रॉ की जो एपिसोड्स बचे हैं, 3 स्मैकडाउन के एडिशन बचे हैं। लेकिन देखा जाए तो आज तक जब कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता जनवरी में एंड इसके बाद जाकर अब पहली बार पिछले वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स आमने सामने आए, सिर्फ एक बार। एंड इसके बाद जो थोड़ी सी हाइप तो बढ़ गई, लेकिन एक ही बार वो आमने सामने आए हैं। अगले स्मैकडाउन का पता नहीं रोमन रेंस का कोडी रोड्स का क्या सीन होने वाला है। कभी स्मैकडाउन पर कोडी रोड्स आते तो रोमन रेंस नहीं आते, कभी रोमन रेंस आते तो कोडी रोड्स नहीं होते। तो ये फिलहाल थिंग हो रही है। एंड देखा जाए दूसरी ओर तो यहाँ पर सिर्फ फिलहाल अब लगता नहीं कि जो इन दोनों का मतलब रोमन रेंस जो अभी तीनों ही शो के ऊपर आएंगे, तीनों स्मैकडाउन एंड दोनों ही रॉ पर आएंगे, ऐसे तो चीज़ होगी नहीं। एंड रोमन रेंस का शेड्यूल बहुत ही WWE ने लाइट किया है एंड इसके वजह से फिलहाल जो है काफ़ी अच्छा बिल्ड नहीं हो रहा है। एंड अगर रोमन रेंस बाई चांस इन तीनों या फिर पाँचों शो में प्रेजेंट होते तो काफ़ी अच्छी हाइप एंड काफ़ी अच्छा बिल्ड WWE कर सकती है इन दोनों को एक साथ कंपीट में भी, मतलब थोड़ी ब्रॉल वगैरह भी दिखाए तो और भी फैंस एक्साइटेड होंगे। लेकिन ऐसी कोई थिंग नहीं है। एंड देखा जाए तो अभी फिलहाल अगले रॉ के अंदर रोमन रेंस आने वाले हैं और वहाँ पर कोडी रोड्स डेफिनेटली होंगे, तो एक रॉ में तो ये थिंग हो जाएगी। इसके बाद क्या थिंग होगी, मतलब अभी स्मैकडाउन का पता नहीं। जब हमें ये थिंग दिखा देती कि सिर्फ पॉल हेमन एंड कोडी रोड्स या फिर उसोज एंड कोडी रोड्स, यही फिलहाल जब ब्लड लाइन के साथ कोडी रोड्स की थिंग चल रही है, एक्चुअल में जो उनका मेन जो मौका है रोमन रेंस के साथ, रोमन रेंस के सामने तो वो आ नहीं रहे हैं या फिर रोमन रेंस उनके सामने नहीं आ रहे हैं। एंड फिलहाल फैंस इसके लिए एक्साइटेड तो है, लेकिन अभी फिलहाल इतना तगड़ा बिल्ड नहीं हुआ है जितना कि पिछले साल ब्रॉक एंड रोमन को आता या फिर जितना एक रेसलमेनिया की मेन इवेंट का बिल्ड होना चाहिए, उस तरीके से बिल्कुल भी इन दोनों के मैच का बिल्ड नहीं हुआ है। एंड इसको जो सबसे बड़ा अफेक्ट कर रहा है वो है सैमी जेन एंड ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन। सैमी जेन जियो से ये सारी जो स्टोरी लाइन है बहुत ज़्यादा जो है अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन WWE को क्या करना चाहिए, स्टोरी लाइन चली तो काफ़ी अच्छे से चल रही है एंड इसको ऐसा ही कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा साइड में रखना चाहिए। ये स्टोरी लाइन चलेगी केविन ओवेंस, सैमी जेन, जे एंड जिमी उसो इनके बीच, या फिर सोलो सिकोवा को भी ऐड करें तो कोई थिंग नहीं, एंड इनको ऐड करना चाहिए इसके अंदर। लेकिन जो मेन रेसलमेनिया का मेन इवेंट है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, इन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए एंड इन दोनों का एक सेपरेट WWE को करना चाहिए। नाइट वन का मेन इवेंट हो सकता है उसोज का एंड केविन ओवेंस एंड सैमी जेन का, तो उसको अच्छा बिल्ड करना चाहिए, इसलिए एक स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। लेकिन वही नाइट टू का मेन इवेंट जो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच है, तो इसके लिए भी काफ़ी तगड़ा बिल्ड करना चाहिए, जो कि लगे कि एक रेसलमेनिया के मेन इवेंट का बिल्ड है। एक ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है एंड फिलहाल मेरे ख्याल से जो डेफिनेटली WWE को बहुत ही ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है इन दोनों के मैच के ऊपर। एंड मैच डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा, मैच अनप्रेडिक्टेबल अभी भी है, लेकिन खैर जो भी है, अगर रेसलमेनिया में जो हमें इन दोनों का मैच एक अच्छा मैच दिखा देता है तो क्राउड एक अप्रिशिएट करेगा, लेकिन फिलहाल बिल्डअप इतनी नहीं है। लेकिन खैर जो भी है, एंड ऊपर से ट्रिपल एच ने भी जो है कार्ड काफ़ी इस साल रेसलमेनिया का छोटा रखा है एंड ऊपर से 2 नाइट का इवेंट है एंड 7-8 मैचेस कन्फर्म है, इतने तो वैसे मैन एक ही प्रीमियम लाइव इवेंट में करवा देते हैं। एंड अभी तो सिर्फ जो 2-3 हफ्ते बचे हैं एंड 2 ही हफ्ते बचे लिटरली, एंड इनमें ट्रिपल एच को जो बहुत ज़्यादा मैचेस भी बुक करने पड़ेंगे एंड रेसलमेनिया जो 2 इसका इवेंट भी होने वाले हैं। बाकी खैर इस साल के रेस्ट में थोड़ी सी हाइप के मामले में डाउन है, बाकी इसको लेकर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर बना दी। लेकिन यस, रोमन रेंस एंड जो कोडी रोड्स की राइवलरी है वो भी मेरे ख्याल से बोरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाइप के मामले में बहुत ही ज़्यादा डाउन है। एंड इन दोनों को जितना ज़्यादा हो सके WWE को जितना ज़्यादा एंड जितना जल्दी एक दूसरे के सामने लाना चाहिए एंड एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करें या फिर प्रोमो के सहारे के अटैक करें, ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी फिलहाल आज के वाले वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।